2014 में देश की सत्ता में परिवर्तन के बाद मोदी सरकार आई, जिसके बाद देश में एक नई प्रकार की राजनीति का दौर चलने लगा। देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो 60 साल के कांग्रेस के समय नहीं हुई थी। चाहे वह देश में देश विरोधी नारे हों, छात्रों पर जोर जबरदस्ती के देश विरोध के आरोप हों, ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की घटनाएं हों, देश का भगवाकरण करने की बात हो, समाज का एक वर्ग विशेष को दबाने की कुचलने की बात हो, या फिर देश के राष्ट्र ध्वज का रंग बदलने की बात हो, और हर मोर्चे पर भाजपा सरकार को हिंदुवादी कहलाने वाले संगठन का साथ है। आज देश का हर वर्ग अच्छे दिनों को याद करता है। जी हां, सत्ता में आने से पहले देश की जनता को मोदी सरकार ने अच्छे दिन नाम की एक भांग की गोली खिलाई थी, जिसका नशा अब लोगों के जहन से उतरने लगा है। अब देश की जनता भी यह समझने लगी है कि कहां पर और किसके अच्छे दिन आए हैं। आज देश में दाल रोटी खाना भी मुश्किल की बात हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू में पकौड़े बेचने को रोजगार की श्रेणी में शामिल किया था। कौन कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, रोजगार देंगे, रिक्शा चलाएगा, कोई कपड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपोजिट देकर के एजेंसी देगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, जिसको रोजगार मानेंगे तो नहीं मानेंगे। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप जरूर कहीं सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है, तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत। आपको बता दें कि सत्ता में आने से पहले मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करने की बात कही थी, अच्छे दिन लाने की बात कही थी। मोदी सरकार से जब भी अच्छे दिनों की बात की जाती है तो जवाब में सामने आता है कि हमने हमारी सरकार के समय सबसे ज्यादा बैंक खाते खुलाए, जिसकी सच्चाई है कि आज बैंक मिनिमम बैलेंस के नाम पर लोगों के पैसे काट लेता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 29 करोड़ों की गरीबी का जुर्माना वसूला है। आप कहेंगे ये क्या बात है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच उन खातों से 1,771 करोड़ रुपए कमा लिए हैं जिनमें न्यूनतम बैलेंस नहीं था। देश में विकास का चेहरा ऐसा बदला कि अमीरों को लोन मुफ्त हो गया और गरीबों को लाइन में मारा गया। अब वह दिन दूर नहीं कि देश में सरकारी बैंक और सरकारी कार्यालय के कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पकौड़ा रोजगार का व्यवसाय करेंगे। बहरहाल यह वह मुद्दे जो देश की भोपू मीडिया, गोदी मीडिया नहीं दिखा सकती। हाथ में इस नारे का बैनर लेकर पकौड़े के साथ प्रदर्शन करने की ये तस्वीरें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हैं। हफ्ते 10 दिन से पकौड़ा देश की राजनीति में छाया हुआ है। जब देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा और हर शाम हिंदू मुस्लिम डिबेट दिखाया जाएगा, तब देश के युवा के सामने ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है जिससे देश में कासगंज दंगे जैसी घटनाएं आम हो जाएगी। हाल ही के मुद्दों की बात करें तो पूर्व में मोदी की जीत के बाद एक और नारे ने जन्म लिया है, मोदी सरकार मूर्तियों पर वार। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़ने से शुरू हुई घटना ने ऐसा जोर पकड़ा कि देश में हर जगह महापुरुषों की मूर्तियों की जान खतरे में आ गई। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि मूर्ति की जान खतरे में कैसे आ सकती है। दरअसल मूर्तियों से जुड़े लोगों के जुड़े जन भावना को टारगेट किया जा रहा है, जिसके चलते बापू की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट और अपनी राय दें कि 2019 में यह मुद्दा देश की राजनीति में कितना बड़ा अहम रोल निभा सकता है। आज हम निशब्द हैं क्योंकि नफरतों के सिलसिले को जिस तरह से इस देश में बढ़ाया जा रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। महात्मा गांधी की आज सुबह मूर्ति को खंडित किया गया और अभी भी खबर चेन्नई से भी आ रही है कि आंबेडकर की प्रतिमा पर पेंट फेंका गया है, जिनको महापुरुष। चेन्नई में आंबेडकर की मूर्ति पर अज्ञात लोगों ने पेंट फेंक दिया। घटना किसने की अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले कल उत्तर प्रदेश में मेरठ में भी आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी गई थी। आंबेडकर जो कि इस देश में संविधान के जनक हैं, उनकी मूर्ति पर पेंट फेंका गया कल मेरठ में। ये देखिए तस्वीरें हैं चेन्नई की, जहां उनकी मूर्ति पर पेंट फेंका गया। मेरठ में तो उनकी मूर्ति को तोड़ ही दिया गया। और आज ही केरल के कुन्नूर से खबर मिल रही है कि महात्मा गांधी की मूर्ति को भी खंडित किया गया है।
नफरतों का यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा, कब तक? दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज़ इंडिया, न्यूज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स।